दुनिया के सात अजूबों का नाम सुनते ही सबके दिमाग में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल का चित्र उभर आता है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। शायद इसी कारण इसे आज पूरी दुनिया में प्रेमी जोड़ों के द्वारा प्यार की अद्भुत मिसाल के तौर पर देखा जाता है। इस वीडियो में हमने इस अद्भुत इमारत के बारे में 13 ऐसे आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में बताया है जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 1, मुमताज महल के मकबरे की छत पर एक छेद है। हालांकि इस छेद के पीछे कई तरह की कहानियां प्रसिद्ध हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब शाहजहां ने ताजमहल के पूरा बन जाने के बाद सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ताजमहल ना बना सकें, तो मजदूरों ने इसी छत में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और ये इमारत ज़्यादा दिन ना टिक सके। आज भी इसी छेद के कारण मुमताज महल का मकबरा नमी से ग्रसित रहता है। नंबर 2, यदि यमुना नदी नहीं होती तो क्या होता? ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसको मजबूत बना रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। यदि ताजमहल के बगल में यमुना नदी नहीं बह रही होती तो ये लकड़ी मजबूत नहीं होती। आपको बता दें कि ये लकड़ी नदी के पानी से नमी सोखती है, इसीलिए अगर यमुना नदी नहीं होती तो अभी तक ताजमहल गिर गया होता। नंबर 3, ताजमहल के चारों ओर के मीनार एक दूसरे की ओर झुके हुए हैं। ऐसा इसलिए है ताकि भूकंप या बिजली के गिरने की हालत में मीनार को मुख्य इमारत पर गिरने से बचाया जा सके। नंबर 4, कुतुब मीनार से भी लंबा है ताजमहल। वैसे तो कुतुब मीनार को भारत की सबसे लंबी मीनार के तौर पर जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, अर्थात ताजमहल कुतुब मीनार से आधा मीटर अधिक ऊंचा है। नंबर 5, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ताजमहल में लगे सभी फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं। दरअसल हर फव्वारे के नीचे एक टंकी लगी है जो कि एक ही समय भरती है और दबाव बनने पर पानी ऊपर फेंकती है। ये सभी फव्वारे बिना किसी मशीन या मोटर के पानी फेंकते हैं। नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और 9/11 के हमलों के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर उसे हरे रंग की चादर से ढक दिया था, जिससे कि ये दुश्मन को दिखाई न दे और इस पर हमला ना किया जा सके। नंबर 7, एक खबर यह भी है कि इसे बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे ताकि वे ऐसी कोई और इमारत ना बना सकें, लेकिन शाहजहां अपने इरादे में कामयाब ना हो सका क्योंकि ताजमहल के बाद भी कई अन्य भव्य इमारतें इन्हीं कारीगरों की मदद से बनवाई गई थी। इन्हीं में से एक कारीगर थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले को बनाने में काफ़ी मदद की थी। नंबर 8, ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के नायाब पत्थरों को लगाया गया था जो कि किसी की भी आंखों को चौंधिया सकते थे। ये पत्थर चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाए गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन कीमती पत्थरों को निकाल लिया था। नंबर 9, 1632 से 1653 की अवधि में जब ताजमहल बना था तब इस पर 32 मिलियन रुपए खर्च हुए थे, जिनकी वर्तमान कीमत 106.28 लाख अमेरिकी डॉलर है। नंबर 10, शाहजहां का ये सपना था कि वो अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाए, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब द्वारा कैद किए जाने के कारण वो अपना सपना पूरा ना कर सका। नंबर 11, ताजमहल के साथ पहली सेल्फी जॉर्ज हैरिसन नामक व्यक्ति ने ली थी। ये सेल्फी उस समय ली गई थी जब सेल्फी का दौर ही नहीं था। नंबर 12, ताजमहल का रंग बदलता है। दिन के अलग अलग समय के हिसाब से इसका रंग बदलता है। सुबह के समय यह गुलाबी दिखता है और शाम को दूधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देता है। नंबर 13, ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में 12,000 सैलानी आते हैं। इतने सैलानी पूरी दुनिया में किसी भी इमारत को देखने के लिए नहीं।